हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग वो जनको को सोते हुए देखकर उसकी फुरहेड पे किस करता है और उसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है? जनकुक ने कहा, मुझे कुछ देर और सोना है। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन 1 घंटे के बाद नीचे आ जाना, वरना घर वाले बहुत ही गुस्सा करने लग जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ तुम पर कोई नाराज़ हो जाए। जनकुक ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊँगा। उसके बाद जनकुक सो जाता है। तियांग तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाता है। यहाँ पर सब लोग तियांग से पूछ रहा था जनकुक कहाँ है। तियांग सबसे कहता है, मैंने ही जनकुक को 1 घंटे बाद आने के लिए कहा, उसको नींद पूरा नहीं हुआ था, मुड़कर आने ही वाला था, मैंने उसको कहा बाद में आ जाना, वो आता ही होगा। सब लोगों ने कहा, क्या तुम जनकुक को बचाने की कोशिश कर रहे हो? वो बहुत ही आलसी है, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता है और न ही वो नींद से जल्दी से उठता है। अगर ऐसे लेट करके उठेगा तो किसी भी काम में वो फास्ट नहीं कर पाएगा, बहुत ही आलस बनते जाएगा। उसको पढ़ाई भी करना होता है, लेकिन नहीं, वो पूरा दिन टीवी देखता रहता है, फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, जो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग इतना क्यों उसके पीछे पड़ जाते हो? वो छोटा सा लड़का और क्या क्या करेगा? देखो, उसको जो करना है उसको करने दो, आप लोग उसके पीछे मत पड़ो। तो तियांग की दादी माँ ने कहा, तियांग तुम जनकुक को सर पर चढ़ा रहे हो, अगर अभी उसको सीधा नहीं किया ना, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तियांग ने कहा, दादी माँ आप तो अब जनकुक के पीछे पड़ना छोड़ दो, आप भी उसके पीछे पड़ गए हो। दादी माँ ने कहा, तियांग तुम मुझे एक बोल रहे हो कि मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, और जनकुक वो मुझे कितना तंग करता है तुम जानते भी हो। तियांग कहता है, ठीक है दादी माँ, मैं समझ गया, जनकुक ने आपको बहुत तंग किया, मैं उसको डांट दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि उसने क्या किया है। आप मुझे इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, ठीक है ना? दादी माँ ने कहा, तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो, बस ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे पता है तुम जनकुक से बहुत प्यार करते हो, उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालते हो। तियांग ने कहा, दादी माँ आप तो बस करिए, आप और जनकुक तो बिल्कुल बच्चे की तरह आपस में लड़ते रहते हो, जैसे कि दोनों ही बहुत ही छोटे बच्चे हो। दादी माँ ने कहा, तियांग तुम उसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, तुम अपने यंगर हस्बैंड की सपोर्ट करते हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ ना। तियांग ने कहा, दादी माँ ऐसा किसने कहा है, आप मेरे लिए सब कुछ हो, एक आप ही तो हो जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, आपके अलावा मैं किससे इतना प्यार कभी नहीं कर सकता हो, आप मेरे लिए बहुत ही खास हो। यहाँ पर जनकुक आकर इस बात को सुन लेता है। वो तियांग को देख कर बहुत ही गुस्से में तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग जनकुक को देख कर समझ गया वो इस बात को सुन लिया होगा, इसलिए इतना गुस्से में है। दादी माँ ने कहा, देखा वो मुझे किस तरह से घूर रहा है, जैसे कि मुझे खा डालेगा। तियांग तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए वो मुझे घूर रहे हैं, उसको लगा मैं उसके बारे में तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तियांग ने कहा, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं, वो नींद से उठा है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जनकुक क्या तुमने ब्रश कर लिया है? जनकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, आपको क्या लगता है मैंने क्या किया होगा? मैं नींद से उठ चुका हूँ, मैं फ्रेश होकर आ गया हूँ, तो ब्रश नहीं किया होगा क्या? तियांग ने कहा, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए स्कूल छोड़ दूंगा। जनकुक ने कहा, आपको मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, जनकुक क्या हुआ है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जनकुक ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करना है, ये कहते वो अपने रूम में चला जाता है। तियांग ने कहा, मैं जाकर उसको बुलाकर लाता हूँ। दादी माँ ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, वो तुम्हें अपनी उंगलियों पर इशारे से नचाते रहते हैं और तुम नाचते रहते हो एक बंदर की तरह। तियांग ने दादी माँ की फुरहेड पे किस करते हुए कहा, आप मेरे लिए बहुत ही पेशियस हो, आपको पता है ना पीटी वोमेन, ये कहते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं जनकुक के पास, और जनकुक को पीछे से हक करते हुए कहा, क्या हुआ? माई यंगर हस्बैंड, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जनकुक ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, क्यों नहीं करना है? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जनकुक तियांग के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम तो अपनी दादी माँ से प्यार करते हो ना सबसे ज़्यादा, तो उनको साथ में रखो अपने पास, मुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जनकुक बस करो, तुम दोनों को लेकर मैं बहुत ही परेशान हो रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसे ही करना बंद नहीं किया ना, मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा लगता है। जनकुक ने कहा, क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँ,
ठीक है, मुझे बोर्डिंग स्कूल में जाकर पढ़ना है, मैं घर पर नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे और तुम्हारी दादी के साथ, तियांग ने कहा। क्या तुमने फाइनल फैसला कर लिया है? जनकुक ने कहा। हाँ, ये मेरी आखिरी फैसला है और मैं बोर्डिंग स्कूल में रहकर ही पढ़ाई करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अपना बैग पैक कर लो, आज ही मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल छोड़कर आता हूँ। जनकुक कहता है, क्या? तियांग कहता, और नहीं तो क्या। जनकुक वो तियांग को गुस्से से घूर रहा था। टाइम को स्किप करते हुए शाम को तियांग और जनकुक दोनों ही साथ में बाथटब पर बैठकर गर्म पानी में नहा रहे थे और एक दूसरे को देखे जा रहा था। जनकुक ने तियांग से कहा, तो आप मुझे फाइनली बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ क्या? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए दादी जी को लगता है मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता रहता हूँ और तुम ये बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो मुझे कितना गुस्सा आ सकता है तुम समझ भी सकते हो? जनकुक ने कहा, मैंने अपने कानों पर सुना है आप सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी माँ से करते हो, तो झूठ बोलना बंद कीजिए। तियांग ने कहा, जनकुक तुम भी बच्चे बन रहे हो, दादी माँ भी बच्चा बन रहा है, दोनों को लेकर मैं बहुत ही परेशानी में हूँ, तुम दोनों कब समझोगे? तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? जब मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाता हूँ तुम स्कूल से लौटने के बाद मुझसे पूछते हो, दादी माँ कैसे है, वो ठीक तो है ना? क्या मैंने दादी माँ को कॉल किया था? और दादी माँ यहाँ पर, वो तुम्हें लेकर पेशन हो जाता है जब भी तुम स्कूल में होते हो, दादी माँ बहुत बार मुझे पूछते रहते हैं जनकुक कब घर आने वाला है, वो घर में नहीं रहता है ना, घर बहुत ही सुना सुना सा लगता है, इन सारी बातों का क्या मतलब है? तुम दोनों जब एक दूसरे से अलग रहते हो तब कुछ और कहते हो और जब सामने रहते हो तो झगड़ते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है ना जनकुक? वो बुजुर्ग है, तुम्हें बहुत ही प्यार से और रिस्पेक्ट से बातें करना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। जनकुक ने कहा, मैं उनको खुद की दादी माँ समझता हूँ, कोई बाहर वाला नहीं, और तुम्हें तो पता ही है मेरी दादी माँ की मौत हो चुकी है, वो भी बहुत साल पहले जब मैं छोटा सा था। मैं अपनी दादी माँ के साथ जैसे बातें करता था वैसे मैं तुम्हारी दादी माँ के साथ बातें करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही पेशेंस है। दादी माँ, वो तियांग के रूम के साइड से जा ही रहा था। जनकुक की बातों को सुनते हुए उनकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं और उन्होंने रूम पर नॉक किया। तियांग दादी माँ से कहता, दादी माँ आप नॉक क्यों कर रहे हो, आप सीधा अंदर आ जाओ, आपको नॉक करने की कोई जरूरत नहीं। दादी माँ ने जनकुक की साइड पर आकर बैठते हुए कहा, जनकुक मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। जनकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? दादी माँ ने कहा, देखो जनकुक तुम अभी बहुत ही बच्चे हो, मैं चाहता हूँ तुम तियांग जैसे समझदार बनो और अपने काम को संभालो, पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से करो ताकि अपने ही फ्यूचर में अपनी ही लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तुम्हें अपनी लाइफ के लिए बहुत ही लड़ना पड़ेगा, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉटी भी हो, तियांग जैसा बहुत ही इंटेलिजेंट और सोच का काम करना, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, पैसे कैसे कमाना है, वो भी ऑनेस्टी के साथ, इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे ना। जनकुक ने कहा, क्या आप लोग क्या बातें कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हो ना, इसीलिए ये सब कुछ आप लोग बोल रहे हो ना, लेकिन मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तियांग ने कहा। जनकुक तुमने ही तो कहा था ना तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाना है, आप क्यों मना कर रहे हो? जनकुक वो तियांग को घूर रहा था। दादी माँ ने जनकुक से कहा, जनकुक मैं किसी बोर्डिंग स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ जब मैं नहीं रहूँगा बहुत दूर चला जाऊँगा। जनकुक ने कहा, कहाँ जाने वाले हो आप? तियांग ने कहा, दादी माँ वो नहीं समझेगा, और आप क्या बातें कर रहे हो, आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे, समझ गए आप? जनकुक दादी माँ तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, आप तुम समझ गए ना, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ दादी माँ, आपके बिना मैं बहुत ही पागल हो जाऊँगा। जनकुक और तियांग दोनों ही रोने लगता है। दादी माँ ने दोनों को संभालते हुए कहा, तुम दोनों ही मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे लगा जनकुक मुझसे हेट करता होगा लेकिन जनकुक भी मुझसे इतना प्यार करता है। जनकुक मैं तियांग की जैसे ही तुम्हें इस्टेब्लिश देखना चाहता हूँ। जनकुक मुझसे प्रॉमिस करो जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम तियांग के साथ ही रहोगे और कभी तियांग के साथ नहीं छोड़ोगे। जनकुक ने दादी माँ से प्रॉमिस किया। तियांग ने कहा, दादी माँ आप क्या लगा कर रखा है, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दादी माँ ने कहा, तियांग मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कब तक जीऊँगा? हाँ क्या तुम नहीं चाहते हो मैं तुम दोनों के बीच में ना हूँ? तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं चाहते हैं हम, हमेशा आप हम दोनों के बीच में रहिए, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है।
जनकुक ने भी दादी माँ से कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे कितना ही क्यों ना लड़ लूँ, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये कहते जनकुक ने दादी माँ को हक करते हुए कहा, प्लीज़ दादी माँ, कहीं मत जाना। दादी माँ ने कहा, तुम दोनों को साथ में खुश देखकर आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे त्यांग की फिक्र था, लेकिन अब लगता है मुझे त्यांग को लेकर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। त्यांग के लिए सोचने के लिए तुम हो ना। एक महीना बाद त्यांग वो बहुत ही खामोश सोफे पर बैठा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ दिनों से रूम से भी बाहर नहीं निकलते हैं। वो ऑफिस भी नहीं जाते हैं, घर में रहकर ही ऑफिस के काम करते हैं। त्यांग अपनी दाद को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, लेकिन त्यांग को अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ हो रहा था। वो मन ही मन बहुत ही रो रहे थे। जनकुक त्यांग के पास आकर बैठ जाता है। उसके बाद त्यांग से कहता है, हम दादी माँ से मिलने कब जाएंगे? जनकुक की बात सुनकर त्यांग ने उसको हक करते रोने लगा। उसके बाद त्यांग ने जनकुक से कहा, हम दादी माँ से कभी नहीं मिल पाएंगे जनकुक। जनकुक ने कहा, क्यों? आप लोगों ने तो मुझसे कहा था ना, दादी माँ हमसे मिलने के लिए आने वाला है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? त्यांग ने कहा, वो स्टार बन चुका है, वो कभी नहीं आएगा, वो सिर्फ हमें ऊपर से देख सकता है। जनकुक, मैं दादी माँ को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जनकुक ने त्यांग को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहा, ऐसे मत बोलो ना, दादी माँ क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने मुझसे कहा था वो मेरे पास वापस लौट कर आएगा, मुझे डांटेगा, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है। एक महीना हो चुका है वो हमारे पास नहीं आया। त्यांग, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पास लौट कर आए। त्यांग ने कहा, जनकुक अपने आप को संभालो, मैं खुद भी बहुत ही परेशान हूँ। मैं दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, अब भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। वो मेरे लिए हमेशा ही खास रहेंगे। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार मैं दादी माँ से करता था और करता रहूँगा। कहीं तुम्हें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हारा प्यार और दादी माँ का प्यार बहुत ही अलग है, तुम्हें जेलस भी नहीं होना चाहिए। जनकुक ने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी दादी माँ को वापस बुला लो। मैं दादी माँ से मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो। अगर उन्होंने इसलिए यहाँ से छोड़कर चला गया तो मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, जनकुक मेरी बात सुन लो, एक बार जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं ना, वो वापस नहीं आ पाते हैं। जनकुक ने कहा, क्यों नहीं आ पाएगा? मैं उनको वापस ला कर ही रहूँगा। और त्यांग ने कहा, जनकुक मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जनकुक त्यांग को धकेलते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं। त्यांग जब अपने रूम में आते हैं, उसने देखा जनकुक बहुत सारी किताबों को लेकर पढ़ रहा था। त्यांग ने कहा, क्या हुआ जनकुक, तुम क्या सोच रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो तुम बुक्स में? जनकुक ने कहा, मुझे वो ढूंढना है जिसके बाद मुझे पता चल जाएगा दादी माँ को कैसे वापस लेकर आ सकते हैं। त्यांग ने कहा, जनकुक पागलपन छोड़ भी दो, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं क्या करूँगा? अगर तुम दादी माँ को इतना मिस कर रहे हो तो मैं कितना मिस कर रहा हूँ, एक बार सोचो जरा। त्यांग की बात सुनकर जनकुक ने कहा, मैं तुम्हें इतना सैड नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें इतना पेशेंट जब भी देखता हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, दादी माँ ने मुझसे कहा था हमेशा तुम्हारी साथ देने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए, और मैं तुम्हें इतना मायूस नहीं देख सकता हूँ। तुम बात नहीं करते हो, बाहर नहीं जाते हो और घर में ही रहते हो, ऐसे देखकर मुझे बहुत ही डर लगने लगा। त्यांग, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ? तुम खाना भी नहीं खाते हो अच्छी तरह से। त्यांग ने जनकुक को बाहों में लेते हुए कहा, ठीक है, आज से मैं पूरा अपना ध्यान रखूँगा, और अगर मैं अपना ध्यान नहीं रख पाऊँ ना, तो तुम मेरा ध्यान रख लेना। जनकुक ने कहा, ठीक है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। उसके बाद त्यांग और जनकुक बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, दोनों बहुत ही खो जाते हैं। एक महीना बाद दोनों आपस में इतना उलझ गए थे। अब जनकुक और त्यांग खुश रहने की कोशिश करता है दादी माँ की यादों को लेकर, लेकिन कभी ना कभी दादी माँ की याद आ ही जाता है और त्यांग और जनकुक दादी माँ को सोचकर रोने लगता है। लेकिन एक दूसरे को संभालने के बाद फिर से दोनों साथ में रहकर खुश रहने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं और अचानक एक दिन जनकुक बहुत ही उल्टी कर रहा था। त्यांग जनकुक को इस हालत में देखकर डर जाता है। उसके मन में एक डर बैठ गया दादी माँ को खोने के बाद। जनकुक को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर से कहता है, जल्दी से जनकुक को चेक कीजिए, उसको क्या हुआ है, वो बहुत ही उल्टी कर रहा है, आप तो वो सेंसलेस भी होने लगा है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम समझ गए। उसके बाद जनकुक को ओटी में लेकर जाते हैं। एक घंटे बाद जैसे वापस आते हैं, डॉक्टर ने कहा, इतना पेशेंट होने की कोई बात नहीं। त्यांग ने कहा, क्या?
जनको की हालत इतनी खराब है और आप लोग बोल रहे हो कि इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। आप लोग कहना क्या चाहते हो? मैंने दादी माँ को खो दिया है, जनको को नहीं खो सकता हो। आप लोग कुछ तो कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, जनको प्रेग्नेंट है और इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही कम है। इसलिए बाना वो बिल्कुल ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए उसके लिए बहुत ही जल्दी है। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो ही गया है तो अगर उसका ध्यान रखा जाए तो वो इस बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको करना पड़ेगा। त्यांग ने कहा, क्या जनको प्रेग्नेंट है? लेकिन डॉक्टर, अगर हम इस बच्चे को अभी जन्म नहीं देना चाहते हैं तो क्या करना होगा? डॉक्टर ने कहा, तो फिर आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके जनको की एबॉर्शन करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगा। त्यांग ने कहा, ठीक है, लेकिन जनको को पता नहीं चलना चाहिए। हम जितनी जल्दी हो सके उसकी एबॉर्शन करना चाहते हैं क्योंकि जनको के लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ अभी जनको इतना रिस्क ले। तो त्यांग की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम इसकी तैयारियाँ करते हैं। जनको को जैसे इस बारे में पता चला, जनको वो बहुत ही गुस्से में त्यांग से कहने लगा, आपको किसने कहा मुझसे बिना पूछे इस बारे में डिसीजन लेने के लिए? मैं एबॉर्शन नहीं करना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, जनकुक तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हम बच्चा बाद में भी ले सकते हैं ना, और तुम्हें किसने कह दिया? मैं तो मना किया था ना। जनकुक ने कहा, मैंने सब कुछ पहले ही सुन लिया था जब डॉक्टर नर्स के साथ बातें कर रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी मुझे पता चल गया था। और मुझे पता है ज्ञान माँ वापस आने वाला है तो मैं क्यों बच्चे को जन्म नहीं दूंगा? हाँ, त्यांग ने कहा, क्या मतलब है? जनकुक ने अपनी टमी पर त्यांग के हाथ लेते हुए कहा, इसको महसूस कीजिए, मुझे लगता है ज्ञान माँ को मैं जन्म देने वाला हूँ। त्यांग कहता, जनकुक ऐसी कोई बात नहीं। जनकुक ने कहा, मुझे बेटी ही होगा और मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा। त्यांग ने कहा, जनकुक लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा, तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है। जनकुक कहता है, अगर मैं इस उम्र में शादी कर सकता हूँ तो मैं बच्चा भी कर सकता हूँ और आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। उसके बाद त्यांग ने जनकुक से प्रॉमिस किया वो उसका पूरा ध्यान रखेगा और उसको सपोर्ट करेगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और जनकुक ने एक बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया। वो सच में दादी माँ की जैसे ही दिख रहा था। त्यांग ने जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुमने सही कहा था, ज्ञान माँ वापस आ चुके हैं। और जनकुक ने कहा, मैंने कहा था ना मैं ज्ञान माँ को वापस लाकर ही छोड़ूंगा। त्यांग कहता है, तुम बहुत ही ग्रेट हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कहते जनको की लिप पर किस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया। जनकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और यहाँ पर बच्चा भी त्यांग और जनकुक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।